हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपर टुडे वी शैल कंटिन्यू चैप्टर टू ऑफ योर इंग्लिश बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्कीपिंग शूज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किट्टी एक नए चमकदार जूते पहनकर अपने पिता के लेटर्स लेने पोस्ट ऑफिस पहुँच जाती है नाउ वी शैल रीड वॉट हैपन्स नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट बैक होम किट्टी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्रायड द शूज़ जस्ट वुडेंट कम ऑफ घर पहुँच कर किटी ने देखा कि उसने जितना जूतों को उतारने की कोशिश की वे जूते वह नहीं उतार पाई टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अप स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर से मम्मा ने आवाज़ लगाई कि स्कूल का समय हो गया है बिफोर शी uh, से आई वॉन्ट द मैजिक शूज विस्ट हर ऑफ टू स्कूल इससे पहले वह कह पाती कि मैं नहीं जाऊँगी जादुई जूतों ने उसको स्कूल की तरफ धकेल दिया विस्ट मीन्स धकेलना एट ब्रेक टाइम अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कोब शी हैड बिल्ड एंड मेड हर एंग्री ब्रेक टाइम में एक लड़की ने कौन कॉब से बना हुआ घर जो किट्टी ने बनाया था उसको तोड़ दिया था और उसको नाराज़ कर दिया था मीन्स ब्रेक टाइम में किट्टी ने एक घर बनाया था कोर्ण कोब से जिसको एक लड़की ने तोड़ दिया था नॉकडाउन का मीन्स तोड़ देना उसको बर्बाद कर देना जिसकी वजह से किट्टी नाराज़ हो गई नाव आई विल किक योर डाउन डोली फिर किट्टी ने कहा कि अब मैं तुम्हारा तुम्हारा तोड़ूंगी डोली अब वेंट हर फूड बट इट डिड नॉट कम डाउन इट स्टेड इन द एयर एज इफ शी वर गोइंग टू डांस जैसे ही उसने अपना पैर उठाया वह पैर जमीन पर नहीं आया वह हवा में ही रुक गया और ऐसा दिख रहा था कि जैसे वह डांस करने वाली है द चिल्ड्रन लावड एंड फाइनली शी सेड टू डोली नेवर माइंड आई विल फॉर गिव यू बच्चे जोरों से हंसे और अंत में किटी ने डोली से कहा कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी देन द फुट फुट वैंड डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्क तब उसके पैर नीचे आ गए और किट्टी को समझ आ गया कि जूते कैसे काम करते हैं दे वर कोऑपरेटिव वेंस शी वॉज काइंड एंड गुड बट स्टबर्न वेंस शी वॉन्टिड टू बी नोटी वे जूते जब वह दयालु और अच्छी होती है तो वे सहायक होते हैं लेकिन जब वह शरारती होना चाहती है तो वे जिद्दी हो जाते हैं मीन्स उसकी बात नहीं मानते हैं स्टबर्न मीन्स जिद्दी टू चेक दिस वैन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हेज, सी सैड काइंडली पर हैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली। इस बात को चेक करने के लिए किट्टी ने जब एक लड़के की बॉल बाउंस होकर एक झाड़ी के ऊपर चली गई तो किट्टी ने बड़े प्यार से कहा कि काश मैं तुम्हारी बॉल तुम्हारे पास तक पहुंचा पाती विली हेज मीन्स झाड़ियाँ द शूज़ लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हेज हाउ कुड यू डू इट क्राइड द सरप्राइज बॉय जूतों ने किट्टी को थोड़ा सा हवा में ऊपर उठाया किसके ऊपर झाड़ियों के ऊपर और सभी लड़के जोर से चिल्लाए तुम यह कैसे कर पाई किटी लाव एंड बिगेन टू डांस प्लीज दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल किटी हंसी और उसने नाचना शुरू कर दिया और वह खुश हुई कि चलो जूते का एक अच्छा साइड भी है मीन्स जूते एक तरफ एक तरह से अच्छे हैं सी ट्वर्ल्ड एंड ट्विस्टेड विद प्रीटी एयर बाउंस हर फीट बिवेस्ट वह घूम घूम कर नाची और वह एयरी बाउंस मीन्स हल्के हल्के स्टेप्स के साथ हवा में नाच रही थी और जिसके पैर जादू के ऊपर थे मीन्स वह जादुई रूप से हवा में नाच रही थी द गर्ल्स वर चाम एंड ट्राइड टू इमिटेट हर बट नो वन कोड एंड शी डांस टिल द बेल रैंक सभी लड़कियां बहुत खुश हुई और उन्होंने उसकी नकल करने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं कर पाई और किट्टी ने जब तक डांस किया जब तक बैल बजी When Kitty reached home her sister said run and pick some strawberries for lunch. जब किट्टी घर पहुंची तो उसकी बहन ने कहा कि दौड़कर जाओ और लंच के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज ले आओ. I am too tired but the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. किट्टी ने कहा मैं बहुत थक गई हूँ लेकिन जूतों ने उसे स्ट्रॉबेरी बेड के बीचों बीच उतार दिया सिर्फ एक जंप के साथ वंस द डिश वॉज फिल्ड किटी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज बट शी वॉज जिप्ड अवे इन टू द डाइनिंग रूम जब एक बार डिश तैयार हो गई थी किटी वहाँ रुकना चाहती थी और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती थी, थी लेकिन उसको जूतों द्वारा डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम में धकेल दिया गया जिप डवे मीन्स जल्दी से उसको धकेल दिया गया कहाँ पर डाइनिंग रूम में और किसने धकेला किट्टी को उसके मैजिक शूज़ ने स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही विशल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू